अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, जो कि नरगिसी कोफ्ते हैं, हम लोग आपको बनाना सिखा रहे हैं। अभी नरगिसी कोफ्ते कैसे बनेंगे हम पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा, बताएं आपने कितना कीमा, कितनी दाल दी और कैसे बनेगी ये नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये बिस्मिल्लाह करते हैं। एक चम्मच मैंने लहसुन का अदरक का डाल दिया। आपने कीमा और दाल का नहीं बताया कि आपने, वो भी बताती हूँ ना। ये हल्दी थोड़ी सी डाल दी, तकरीबन हाफ टेबल स्पून हम लोगों ने हल्दी डाल दी है। मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये अपने हिसाब से कसा। गर्म मसाला बाद में बाकी चीज़ें डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी मैंने डाल रही हूँ इसमें दाल गलने के लिए। तकरीबन हाफ कप हम लोगों ने पानी का ले लिया है। आधा किलो कीमा था हमारा, आधा किलो कीमा था। फीवर से हम लोगों ने तकरीबन आधा किलो कीमा लिया है और हम लोगों ने आधा कप लिया है चने की दाल का। चने की दाल को हम लोगों ने भिगो दिया था तकरीबन एक घंटे के लिए। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन एक छोटे साइज का प्याज डाला है काट कर। और अब हम लोगों ने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है और हम लोग तकरीबन आधा कप ही पानी का शामिल किया है। अब इसके बाद क्या होगा हम पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा, उबाला दिला के हल्किया कर देंगे। तो अब हम लोग इसको उबाला दिला कर हल्की आँच से पकने के लिए रख देते हैं ताकि जो हमारा कीमा और दाल है वो पक जाए। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि नरगिसी कोफ्तों के लिए जो हम लोगों ने कीमा और दाल रखा था पकने के लिए, यहाँ पर उसको तकरीबन वो पकना शुरू हो गया है। जो हम लोगों ने अपनी दाल और कीमे को एक दफ़ा उबाला दिलाना था वो हम लोगों का उबाला आ गया है। तो अब हम लोग इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। तो अब हम लोग इसको हला कर ना ढक कर पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा कीमा और दाल है वो गल जाए। तो आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखना है क्योंकि आज की जो रेसिपी हमारी बहुत स्पेशल है। आप लोगों ने नरगिसी कोफ्ते बनाना सीखना है तो आप लोगों को हमारी रेसिपी पूरा देखनी होगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहना है। उबले हुए अंडे, तो उबले हुए दिखाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि अब जो हमारा नरगिसी कोफ्तों का कीमा और दाल बिल्कुल दाल गल चुकी है। ये आपके सामने मम्मा ने तोड़ कर भी दिखा दी है। तो अब हम लोगों ने इसको ना ग्राइंड करना है। अगर ग्राइंडर नहीं है आपके पास तो कुंडी में भी कूट सकते हैं। तो कुंडी में भी आप लोग कूट सकते हैं इसको। तो अब हम लोगों ने इसको कूटना है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके लिए, क्योंकि हमारे नरगिसी कोफ्ते हैं तो अंडे हमने शामिल करने हैं। अंडे बीच में रखेंगे कोफ्तों के, अंडे रखने हैं हम लोगों ने बीच में। तो अब हम लोग अपने अंडों को बॉयल करते हैं और आपको दिखाते हैं। और हम इसको अब ग्राइंड भी कर लें तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसकी रेसिपी को मज़ीद हम लोगों ने कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे हमारे मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते तैयार होंगे। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नरगिसी कोफ्तों का जो हमारा कीमा था हमने उसको कूट लिया है। तो अब हम उसके अंदर, जी मम्मा क्या शामिल कर रहे हैं? हम लोगों ने तकरीबन हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है और तकरीबन हाफ टेबल स्पून ही हम लोगों ने गरम मसाला पाउडर, हाँ जी, ये इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो धनिया डाल दिया मैंने इसमें और प्याज नहीं डालना। तो आप लोगों ने व्यूवर्स देखा कि हम लोगों ने नरगिसी कोफ्तों के अंदर हरा धनिया तो डाला है लेकिन प्याज हम लोगों ने इसके अंदर नहीं डाला। हरी मिर्च भी नहीं डाली मैंने, हरी मिर्च भी नहीं डाल दी आप लोगों ने। बस मतलब सिंपल सा आप लोगों ने इसके अंदर जीरा, गरम मसाला डालना है। बाकी मसाले हम आपको पहले दिखा चुके हैं, नमक, मिर्च, जब हम लोगों ने अपनी ये दाल और कीमा बनने के लिए रखा था तो आप लोगों ने देख लिया था कि दाल भी कितनी अच्छी नरम हो गई थी, कीमा भी हमारा बन चुका था। तो अब हम लोगों ने उसको ग्राइंड कर लिया और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया। अंडे मेरे उबल जाए ना तो मैं छिलके उतार के फिर आपको बना के दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर, वहाँ पे हमारे अंडे बॉईल हो रहे हैं, वो भी हो जाते हैं तो हम उसको उतार के कैसे इसको मतलब आप लोगों ने कवर करना है, कैसे हमारे मज़ेदार से प्यारे से खूबसूरत से नरगिसी कोफ्ते तैयार होंगे हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहने कहीं नहीं जाना। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो सा नरगिसी कोफ्तों का कीमा है वो हम लोगों ने कूट लिया है। और हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम लोग अपने जो अंडे हैं वो बॉईल कर रहे हैं तो हम लोगों ने अपने जो से अंडे थे नरगिसी कोफ्तों के उनको भी बॉईल कर लिया है, छील भी लिया हम लोगों ने उनको बॉईल करके। तो मम्मा, वो आपने देश की में क्या रखा वो जरा व्यूवर्स को बता दें। ये अंडे ना मैं ऐसे काट लेने, अगर आप चाहें तो लंबाई के रुख भी काट सकते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में काट लूँगी। अब ये ऑयल है, तीन अदद प्याज है, डार्क ब्राउन करने जैसे कोरमे के करते हैं ना, जी जी वैसे। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने तीन अदद प्याज ली है, हमने उसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है और हम लोगों को डार्क ब्राउन कलर का हम लोगों ने उनको फ्राई करना है। तो वो ना फिर ग्राइंड करना है। तो
उसके बाद हम लोग उनको ग्राइंड करेंगे, यानी कि जो हमारा मसाला होगा नरगिसी कोफ्तों का उसको हम लोग ग्राइंड करेंगे। तो आप लोग में दही डाल के नमक मिर्च डाल के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप ज़रा अपने व्यूवर्स को बनाना सिखा दें एक कि कैसे मतलब ये तैयार हो गए नरगिसी कोफ्ते। ऐसे ठीक है, ऐसे लेके ना ऐसे। तो पहले आपने हाथ में कुछ लगाया ऑयल या कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करके ना ऐसे 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 ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए व्यूवर्स कितने अच्छे हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। मतलब कितना अच्छा इन्होंने उसको अंडे को अपने, यानी कि जो हमारा मिक्सचर है उसका, नरगिसी कोफ्तों का जो कीमा है उसके अंदर, मतलब कितना अच्छा इन्होंने इसको कवर कर लिया हर तरफ से। आप लोगों ने देखा मतलब ना तो मम्मा ने कोई घी लगाया ना कोई ऑयल लगाया हाथ पे, बस वैसे ही सिंपल जैसे आप मसाला लिया और आपके सामने बना रहे हैं। तो कितना अच्छा हमारा, आप देख सकते हैं कि जो हमारा नरगिसी कोफ्ता है वो तैयार हो गया। तो एक आपके सामने और बना दीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए अच्छे से कि आप लोगों ने कैसे बनाना है। ऐसे फैला लेना इसे, फिर इसे ऐसे रखना है। आपने देखा कि अंडे को उन्होंने उल्टी साइड से रखा, मतलब फ्रंट साइड से नहीं रखा, जो जर्दी वाली साइड है उसको नीचे रखा है इन्होंने। और देखिए किस तरह मतलब इसकी बाइंडिंग हो रही है। और ये देखिए इसे छुपा देना अंडे को। अगर आप लंबाई के रुख रखना चाहते हैं वो रख लें, ऐसे सीधे काट के अंडा को, मैं तो गोल काट के ठीक रहते हैं, फिर वो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। ये देखें ऐसे मैं सारे बना लूँगी। अब मैं प्याज ब्राउन कर लूँ। ठीक है व्यूवर्स, हम आपको प्याज ब्राउन करने के बाद दिखाते हैं। और यहाँ पे हमने आपको बनाना भी सिखा दिया नरगिसी कोफ्ते कैसे बनेंगे, बाकी की हम अपने कोफ्ते भी बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। किया हुआ मसाला जी। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने अपनी ग्रेवी तैयार की है नरगिसी कोफ्तों की, हम लोगों ने उन प्याजों को ग्राइंड कर लिया है। अब हम लोगों ने इसको ऑयल के अंदर शामिल कर लिया है, भून रहे हैं। अब हम लोग उस ग्रेवी को भून रहे थे कि माशाल्लाह कितना प्यारा, मतलब फ्लफी सा ये अच्छा सा इसका जो है मसाला, जो ग्रेवी है हमारी वो तैयार हो रही है। देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लग रही है ये, और गाढ़ा गाढ़ा सा कितना है ये, देखिए इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, कितना क्रीमी सा इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है हमारे नरगिसी कोफ्तों की। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखना है तभी आप सीख सकेंगे कि हम लोगों ने मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते कैसे तैयार किए हैं। हमने सिर्फ आपको इसकी रेसिपी नहीं बताई बल्कि आपको इसकी बाइंडिंग, इसको बनाना सब कुछ दिखाया है आपको। हमने सब कुछ आप लोगों के सामने तैयार किया है इसका। वही प्याजों में ना डाल दिया, तो वही जिस हम लोगों ने ऑयल में इसको प्याजों को पहले ब्राउन किया था उसी ऑयल में हम लोगों ने दोबारा इसको ग्राइंड करने के बाद इसी ग्रेवी को शामिल कर दिया। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। तो मामा कितनी देर हम लोग इसको भूनेंगे? पाँच मिनट भूनते हैं। पाँच मिनट भूनने के बाद फिर हम दिखाते हैं आपको। हम लोगों थोड़ी देर के इसे कवर कर दिया है तो फिर हम आपको दिखाते हैं पाँच मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स अब आप लोग देख सकते हैं कि जौन से हमारे नरगिसी कोफ्ते हैं वो तैयार हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोगों उनको फ्राई करने लगे ये हम लोगों ने। जी तो व्यूअर्स हम लोगों ने यहाँ पर एक अदद अंडा लिया, उसको हम लोगों ने बीट कर लिया है। तो अब हम लोग अपने जो कोफ्ते वो फ्राई करने लगे। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो अपने नरगिसी कोफ्ते हैं उनको फ्राई करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने यहाँ पर तवे पर जो घी थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो ये बहुत ही मज़े की माशाल्लाह रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि कैसी बनी है ये। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे हम लोग अपने बाकी सारे जो उनसे हमारे नरगिसी कोफ्ते हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। सिंपल हम लोगों ने इसके ऊपर जो एग की कोटिंग की है। इतनी प्यारी माशाल्लाह सी खुशबू आने लग गई है यहाँ पर कि मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला पूरे किचन में खुशबू हो गई है इनकी। ऐसे लाएंगे ऐसे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा अंडा लग रहा है, कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है दिखने में। तो यमी मज़ा आ गया देखकर।
और देख लें आप लोग जो माशाल्लाह देख रहे हैं भी इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, वो खाने में कितने टेस्टी होंगे। मतलब ये तो इतने मज़े के लग रहे हैं कि ये तो वैसे भी आप इसको मतलब खा सकते हैं चपाती के बगैर भी। इसके अंदर अंडा जी, इसके अंदर हम लोगों ने आपके सामने अंडा, हाँ जी हम लोगों ने आप लोगों के सामने इसको मतलब बनाया था। आप लोगों ने वो तरीका भी सीख लिया है कि कैसे मतलब हम लोगों ने बनाना है। देख लें आप लोग माशाल्लाह आपके सामने बन रहे हैं बिल्कुल भी, ना तो ये खुले हैं ना टूटे हैं। तो एग जो हम लोगों ने वो बॉईल कर लिए थे, आधा किलो हमारा कीमा था, आधा कप दाल का था। तो व्यूअर्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के नाते को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके और आप लोग इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी सीख सकें। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों ने बिल्कुल इसको स्टार्ट टू एंड देखना है ताकि आपको पता चले कि स्पेशल मज़ेदार और ये फुल यमी नरगिसी कोफ्ते कैसे बनेंगे। इस ग्रेवी पहले हम लोगों ने तैयार कर ली है, तो अब यहाँ पर जो हमारे नरगिसी कोफ्ते वो फ्राई हो रहे हैं। मतलब एक तरह से इसके दो स्टेप होते हैं हांडी के, हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने इसके कोफ्ते लैदा बनाने हैं और जिसकी ग्रेवी लैदा तैयार करनी है। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम उसको फ्राई कर रहे हैं तो फिर हम उसको ग्रेवी के तो शामिल कर देंगे। हाँ जी, वो भी दिखाते हैं ना कैसे डालने हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स अब हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मामा आपने क्या डाला है हांडी के अंदर? गरम मसाला पाउडर हम लोगों ने डाल दिया है। ये देखें कैसा प्यारा इसका कलर आया, घी भी ये माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू इतनी ज़बरदस्त कि जल्दी से दिल कर रहा है इसको खा लें। ये देखें आपने ना एकदम हांडी में नहीं डालने, ये वो खुर जाएंगे। ठीक है, मतलब ये टूट सकते हैं इसलिए आप लोग देखें किस तरह मम्मा ने जब आपने सप्लाई करने है ना खिलाने हैं ना किसी को तो ऐसे डाल के दें जी। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं मतलब गर्मा गर्म हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अगर ठंडे हो जाओ तो माइक्रोवेव में गर्म कर लें आप। और आप लोगों ने मतलब इसको हांडी में डाले गर्म नहीं करना, अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल बना लिए हैं और बाद में खाने तो आप लोगों ने इसको माइक्रोवेव के अंदर गर्म करना है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।